जीत के आती हूँ तो मैं 3 श पे कार्य करूँगी। 3 श का मतलब सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। और मेरी प्राथमिकता रहेगी महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला की आत्मनिर्भरता। तो हम लोग इसी पे वर्क करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी मेयर हैं कि जिन्होंने अभी अभी चुनाव जो है वो जीता है। क्या कुछ प्राथमिकताएँ होंगी आपकी? मैंने पहले भी बताया है, जैसे मैं जीत के आती हूँ तो मैं 3 श पे कार्य करूँगी। 3 श का मतलब सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। और मेरी प्राथमिकता रहेगी महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला की आत्मनिर्भरता। तो हम लोग इसी पे वर्क करेंगे। चुनावी रण में बड़े बड़े धुरंधर थे लेकिन सबको आपने परास्त किया, क्या कहेंगी लोगों को अपील? इसके बारे में कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगी, जनता ने मुझे चुना है। बस मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। प्रथम कार्य क्या होगा जो आप करना चाहती हैं पटना के लिए? पटना के लिए प्रथम कार्य होगा मेरा, मैंने बोला कि महिला की सुरक्षा के प्रति, शिक्षा के प्रति और उसकी आत्मनिर्भरता के प्रति। और भी बहुत सारे वर्क हैं जिन पे मैं धीरे धीरे वर्क करूँगी, कार्य करूँगी। कहने का तो कई मोहल्लों में CCTV लगाए गए हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। आज ही काम करते हैं तो अब हम लोग आएंगे, उनसे सभी पे कार्य किया जाएगा। और खासकर एक कचरा प्रबंधन होता है, हाल के दिनों में हालांकि सुधरा है लेकिन और इसे बेहतर किस तरीके से आप करेंगे, कुछ है विजन आपका? बस नहीं, ये भी हम लोग भी बैठ के डिसाइड करेंगे क्या करना है, इस पे भी हम लोग अभी वर्क करेंगे, अब सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। जीत का श्रेय किसे देंगे? सब जनता, सारे कार्यकर्ता, जितने भी जनता हैं उन सभी को श्रेय दूंगी और सभी से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, इस कार्य के लिए मुझे चुना। मैं अपना पूरा योगदान दूंगी उन सभी के लिए। धन्यवाद। सीता साहू का भी सपोर्ट रहा? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों एक साथ हैं। धन्यवाद। कहा जाता है कि पटना जो है वो BJP का गढ़ है, भले ही पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होता है लेकिन जिस तरीके से आप जीती, सीता साहू जीती, ये साबित हो गया कि BJP के किले को पटना में ढहाना मुश्किल है। इसके बारे में मैं क्या बोलूं? चलिए, अभी अभी जीती हैं, पटना की डिप्टी मेयर हैं और देख सकते हैं कि इस वक्त जो है बड़ा बयान दिया। हमसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी प्राथमिकताएं जो हैं वो महिला सुरक्षा को होगा। और सब आपको बता दें कि ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार रही, भले ही पार्टी बेस्ड चुनाव जो है वो नहीं होता है मेयर या डिप्टी मेयर में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि BJP के किले को पटना में ध्वस्त करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि मेयर भी सीता साहू पद पर सीता साहू जीती हैं और डिप्टी मेयर पर रश्मि जीती हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करें लेकिन जाते जाते आपको नज़ारा दिखा देते हैं। शाम का वक्त है पटना में, आज पटना के लिहाज से अगर कहें तो बड़ा दिन था। आज पटना के सभी वार्ड पार्षदों का एक तरह से कह सकते हैं कि अनाउंस हुआ कौन जीते कौन हारे। और पटना AN कॉलेज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो हैं वो सभी वार्ड पार्षदों के नाम का ऐलान हो गया, जो भी जीते हैं। डिप्टी मेयर का नाम का ऐलान हो गया और मेयर का नाम का ऐलान हो गया कि किन की जीत हुई है। सीता साहू मेयर पद पर जीती हैं और अब वो भी बाहर निकलेंगी अपने समर्थकों के बीच। और सुबह से ही जिस तरीके से राउंड द राउंड सीता साहू आगे थी, हालांकि टक्कर जो है वो दी गई डॉक्टर महजमी की तरफ से, लेकिन काफ़ी आगे निकल चुकी थी लास्ट राउंड होते होते सीता साहू। तो बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर पटना के लोगों ने सीता साहू पर जताया है। अब जो काम उन्होंने बीते सालों में किया, कहीं ना कहीं जनता की मुहर उन कामों पर लगती हुई इस चुनाव में दिखाई दी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।